और इटोला रोड पर आवेल नारायण ग्लोबल स्कूल अंग्रेजी तेमज गुजराती माध्यम में 65% परिणाम प्राप्त कर्यु छे। पौर इटोला रोड पर आवेला नारायण ग्लोबल स्कूल की स्थापना 2017-18 में करवामां आवी हती। नारायण ग्लोबल स्कूल पौर इटोला रोड पर रमणीय वातावरण में अने आधुनिक सुविधाओं की सज्ज छे। नारायण ग्लोबल स्कूल में अंग्रेजी माध्यम तथा गुजराती माध्यम केजी थी लईने 12 धोरण सुधी वर्गो चाले छे। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विभाग माटे वडोदरा थी विषय निष्णात फैकल्टी द्वारा शिक्षण आपवामां आवे छे। नारायण ग्लोबल स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा नुं पण आयोजन कर्युं हतुं, जेमां नारायण ग्लोबल स्कूल ना विद्यार्थियों तथा आजूबाजू की शाळा ना एम कुल मळीने 300 विद्यार्थियों परीक्षा में उपस्थित रह्या हता। नारायण ग्लोबल स्कूल धोरण 10 में भव्य सफलता प्राप्त करी छे, जेमां गुजराती माध्यम में 62.06% अने अंग्रेजी माध्यम में 60%, जेमां नारायण ग्लोबल में भणतो विद्यार्थी जेमां प्रथम क्रमे गांधी देव 98.23% तथा बीजा क्रमे पटेल आयुष 78% तथा तीजा क्रमे पाटनवाड़िया संध्या 73% प्राप्त करेल छे। आ तेजस्वी तालावने नारायण ग्लोबल स्कूलना ट्रस्टी NI पटेले विद्यार्थियों तथा नारायण ग्लोबल स्कूलना शिक्षकों तथा वालीओने अभिनंदन पाठव्या हता। जयरे लोकमत न्यूज चैनल साथ नारायण ग्लोबल स्कूल ट्रस्टी NI पटेल साथ खास बातचीत करी हती। नमस्कार दर्शक मित्रों, लोकमत न्यूज चैनल आपको हार्दिक स्वागत है। आज जे SSC बोर्ड नो परिणाम बहार आवी छे ने केटलाक विद्यार्थियों में कभी खुशी कभी गम जेवी परिस्थिति थई छे। ज्यारे पौर विस्तार में जे इटोला रोड पर आवेली नारायण ग्लोबल स्कूल छे, आ स्कूल ने चालू थई 1-2 वर्ष थया छे अने पहेलो परिणाम बेस्ट हतुं, आ वखते पण परिणाम सारुं आव्युं छे। आपणी साथे जे गुजराती मीडियाना जे ज्योतिबेन आचार्य छे, आपणे एमनी साथे वातचीत करीशुं। मैडम, केटलो परिणाम आव्युं छे, आजे केटला विद्यार्थीओ पास थया छे? सबसे पहले तो नारायण ग्लोबल स्कूल की तरफ से मैं ज्योति शिंदे प्रिंसिपल जय नारायण कहती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, बिकॉज आज जून 2017 को हमारा स्कूल का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था और आज हमारा पहला बैच इस साल 10th स्टैंडर्ड के लिए बोर्ड में गया। हमारे यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th इंग्लिश, गुजराती मीडियम, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स लाइक वर्किंग में है। टॉप फैकल्टीज़ एजुकेशन देती हैं और प्राउड इसीलिए फील कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ लाइक हमारे एरिया में शायद हमारा हाईएस्ट रिजल्ट है, जिसमें गुजराती मीडियम 69% एंड इंग्लिश मीडियम 80%। हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड है जो स्कूल में फर्स्ट आया है उसको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं एंड ही इज़ गांधी देव विथ 98.23% टाइल, जिसके मैथ्स में 93 मार्क्स हैं और साइंस में 95 मार्क्स हैं। गांधी देव, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम नारायण ग्लोबल स्कूल। सेकेंड है पटेल आयुष विथ 78% टाइल, पावा संध्या 73% टाइल एंड मैनी मोर इन द लिस्ट टू एड, बट इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड 3 cheers फॉर नारायण ग्लोबल स्कूल। हिप हिप हुर्रे। आता ज्योतिबेन जे नारायण ग्लोबल स्कूल ना जे आचार्य था, अपनी साथे जे नारायण ग्लोबल ना ट्रस्टी छे NI पटेल साहेब, आपणे शुं कहेवुं छे, आ परिणाम ना आवानी पाछळ कोनो हाथ छे, एटली मेहनत छे शिक्षकोनी के आपणी साथे हमरी वातचीत करवा माटे NI पटेल साहेब, अमारे स्कूलनो आखो परिणाम शुं कहेवुं? नमस्कार। શાળાનું એસ્ટાબ્લિશ વર્ષ છે 2017 અને ત્યારથી જ અમારું એક ધ્યેય હતું કે ધોરણ 10 અને 12માં અમારા વિદ્યાર્થીઓ બહુ ઉચ્ચ કક્ષાનું પરિણામ લાવે અને 10માનું પરિણામ આવ્યું 69% ગુજરાતી માધ્યમ અને 80% ઇંગ્લિશ માધ્યમ। એની પાછળના જે બધા પરિબળો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, વાલીઓ છે, એમને ખૂબ ખૂબ અંતરના અભિનંદન। અને આ એરિયાની અંદર, આ એરિયાનું સેન્ટર જ્યારે 43% પરિણામ લાવતો હોય ત્યારે આ એરિયાની અંદર અમારી શાળાએ હાઈએસ્ટ પરિણામ લાવી અને આ એરિયામાં એજ્યુકેશનનો પ્રથમ વર્ષે જ પાયો નાખી દીધો છે। ભગવાનના આશીર્વાદ તો મળ્યા જ, કર આ અમારી મહેનત ન ફળત, એટલે અમારી મહેનત છે અને પ્રાપ્ત છે। અને અમારું પહેલે જ વર્ષે મેં ડિક્લેર કર્યું હતું કે આ એરિયામાં
आ एरिया एटले खानम पाकड़ मां मारे बेस्ट एजुकेशन आपवुं छे अने आ एरियाना बाळको एमना परिणाम एमना परिवार साथे सुखी बने एवी सिद्धि मेळवे बाळको एवी अमारी आ जीवननी आ संस्थानी एक ध्येय छे अने ए ध्येयने अनुलक्षीने अमारी फेकल्टी अमारा प्रिंसिपालो बहु मदद करे छे ए बधाने पण खूब खूब अभिनंदन अने भगवान अमने आवी नवी साची दिशानी साचा कर्तव्यनी साचा कर्मनी जे सहकार आपे जे आशीर्वाद आपे એટલે ભગવાનના પણ આશીર્વાદ અને ભગવાનને પણ ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના કરી બિરમું છું. ધન્યવાદ. જય આ હતા જે અને પટેલ સાહેબ અમને એમનું કહેવું છે કે આ પરિણામ આવવાનું પાછળ જે શિક્ષકોનો જે હાથ છે વાલીઓનો હાથ છે બાળકોનો સપોર્ટ છે અને આવું ને આવું પરિણામ દર વર્ષે આવે એવું સારાના ટ્રસ્ટીનું કહેવું.